दोस्तों, अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में SEO के अंदर अपना करियर बनाना है, आपको इंटरव्यू क्रैक करना है, तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स का पूरा ये डिटेल्ड वीडियो आपके लिए हम लेकर आए हैं। ये आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल, नॉलेजेबल और इंटरव्यू क्रैक करने में आपको हेल्प करेगा। SEO में हम आपको प्रैक्टिकल चीज़ों के ऊपर बातें बता रहे हैं। हमारे SEO का पूरा कोर्स भी है जिससे हज़ारों लोग सीखते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा, बिकॉज ये आपको बहुत ही ज़्यादा इंडस्ट्री से रिलेटेड और इंटरव्यू से रिलेटेड प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन देने वाला है। और अगर आपको इससे बेनिफिट हो तो ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, एंड तक देखिएगा, चलते हैं और सीखते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों, मार्केटिंग फंडास आप लोगों के लिए मल्टीपल स्किल्स, जो कि न्यू ट्रेंडिंग और एडवांस स्किल्स हैं, हाई इनकम स्किल्स हैं, विथ सर्टिफिकेशन। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको अच्छे से एक्सप्लोर कीजिए और अपनी लर्निंग अर्निंग की जर्नी शुरू कीजिए। तो दोस्तों, चलते हैं और सीखते हैं। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, ट्रेनिंग, कंसल्टेंसी के लिए दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं टॉप SEO इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स के बारे में। अगर इन क्वेश्चंस का आपको आंसर्स पता होगा तो आप इजीली अपना SEO प्रोफाइल का इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं और आपके जो इंटरव्यू में सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत हाई रह सकते हैं। तो हम वन बाई वन जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है SEO इंटरव्यू से रिलेटेड, हम वन बाई वन डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो फ्रेंड हमारा पहला क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है ये, व्हाट इज SEO? SEO क्या है? सो SEO इज बेसिकली स्टैंड फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो आपको इसमें SEO के बारे में बताना पड़ेगा आंसर, और बताना पड़ेगा कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ ऑप्टिमाइजिंग वेबसाइट टू इम्प्रूव इट्स विजिबिलिटी इन सर्च इंजन रिजल्ट पेज। तो SEO बेसिकली क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है SEO का, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसमें कि हम वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करते हैं जिससे कि उसकी विजिबिलिटी कहाँ पे इंक्रीज हो सके या कहाँ पे दिख सके, सर्च इंजन रिजल्ट पेज। जो भी सर्च इंजन होते हैं उसके रिजल्ट पेज पे SEO का जो हमारी वेबसाइट है वो दिख सके। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ SEO? सो आपको इसका आंसर देना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि SEO इंक्लूड्स ऑन पेज, जिसमें आप कंटेंट, कीवर्ड, HTML टैग से रिलेटेड आपको बताना पड़ेगा। ऑफ पेज SEO में आपको बैकलिंक, सोशल सिग्नल्स, और टेक्निकल SEO में आपको साइट स्पीड, मोबाइल फ्रेंडलीनेस और इंडेक्सिंग के बारे में आपको आंसर देना होगा। सो जो थर्ड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन ऑन पेज एंड ऑफ पेज SEO। तो इसमें आपको ऑन पेज एंड ऑफ पेज SEO में डिफरेंस बताना होगा। तो मेजरली जो मेन डिफरेंस है ऑन पेज SEO में और ऑफ पेज SEO में, इसका सिंपली मतलब है ऑन पेज SEO में जो भी आप काम वेबसाइट के अंदर करते हो, कंटेंट ऐड करते हो, और जो भी चेंजेस आप वेबसाइट के अंदर करते हो वो कंसीडर होता है हमारा ऑन पेज SEO में। और वेबसाइट के बाहर आप जो भी प्रमोशन का वर्क करते हो या बैकलिंक क्रिएट करते हो तो वो हमारा किसके अंडर आता है, वो हमारा ऑफ पेज SEO के अंडर आता है। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना होगा व्हाट आर द कीवर्ड्स एंड व्हाई आर दे इंपॉर्टेंट इन SEO। सो कीवर्ड्स क्या होते हैं और इनका इंपॉर्टेंट रोल क्या है SEO में। सो कीवर्ड आर the terms people use in search engine to find information. So keyword basically क्या होते हैं, वो शब्द या group of word या single word और a phrase जो user कहाँ पे search करता है, search engine पे क्यों search करता है, to find relevant information. So why are they important in SEO? They are crucial in SEO because optimizing content with relevant keywords help search engine understand your content intent. इसका simply मतलब है कि use हमारे लिए keyword इसलिए important है कि कोई भी user हमारी website को कैसे find out कर सकता है, जब हमारा keyword rank कर रहा होगा। तो जो भी हम blog लिखेंगे वो keyword से target करके ही लिखेंगे, तभी user आपकी website पे click करके आ सकता है search engine से। So, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बैकलिंक्स इन SEO? तो इसका आंसर आपको बताना पड़ेगा, बैकलिंक्स
एसईओ में क्यों जरूरी है और व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। सो बैकलिंक्स होते क्या है? बेसिकली बैकलिंक्स आर द लिंक्स फ्रॉम अदर वेबसाइट टू योर वेबसाइट। सो ये इम्पोर्टेंट क्यों होते हैं? दे आर इम्पोर्टेंट बिकॉज सर्च इंजन कंसिडर देम एज अ वोट ऑफ सिग्नल। तो जितना आप हाई क्वालिटी बैकलिंक्स क्रिएट करोगे उतने आपकी वेबसाइट का डीए इंक्रीज होगा और गूगल आपकी वेबसाइट को रैंक करना स्टार्ट कर देगा, आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी बिल्ड होने लगेगी, गूगल आपकी वेबसाइट पे ट्रस्ट करने लगेगा अगर आप बैकलिंक्स बनाते हो एसईओ में। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज साइट मैप एंड हाउ डज इट इज बेनिफिट। सो साइट मैप क्या होता है और ये एसईओ में क्या हेल्प करता है? तो बेसिकली साइट मैप एक लॉग फाइल होती है और डाटाबेस ऑफ फाइल्स होता है जो कि गूगल को हेल्प करता है आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर और कंटेंट समझने में, जिससे कि गूगल को इजी होता है आपकी वेबसाइट को क्रॉल इंडेक्स करने में, जिससे कि वो इजीली रैंक कर सकता है आप जो भी कंटेंट लिखते हो। How does site speed impact SEO? तो इसका आंसर आपको बताना है कि अगर वेबसाइट की स्पीड तो कैसे इंपैक्ट करेगी SEO में। तो मेनली अगर आपकी वेबसाइट की स्पीड अच्छी होगी तो क्या होगा, आपकी वेबसाइट की अगर स्पीड अच्छी होगी तो गूगल आपको रैंकिंग में प्रेफरेंस देगा। बट अगर लेट सपोज आपकी वेबसाइट का कंटेंट बहुत अच्छा है बट वेबसाइट की स्पीड स्लो है तो या देरी से खुल रही है तो गूगल उस वेबसाइट को प्रेफर नहीं करेगा रैंक, बिकॉज वहां पे यूजर एक्सपीरियंस खराब होता है। सो जब आपको कोशिश हमेशा यही करनी चाहिए, जब भी आप कोई वेबसाइट बनाते हो तो मेक श्योर उसकी जो स्पीड हो वो बहुत अच्छे से होनी चाहिए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन एंड व्हाई इट इज एसेंशियल फॉर एसईओ। सो जो मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन में आपको जो भी आप वेबसाइट बनाओगे तो आपको ये याद रखना है कि आपकी जो वेबसाइट है वो मोबाइल डिवाइस पर रिस्पॉन्सिव है और इजीली खुल रही है विदाउट एनी प्रॉब्लम, मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट है या नहीं है। अगर आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली है और रिस्पॉन्सिव है तो गूगल उसको रैंक करने में प्रेफरेंस देगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर मेटा टैग्स एंड हाउ दे आर इन्फ्लुएंस एसईओ। जो नाइन्थ क्वेश्चन का आंसर है, मेटा टैग्स क्या होता है और ये कैसे एसईओ में हेल्प करता है। सो मेटा टैग्स आर बेसिकली एचटीएमएल एलिमेंट दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट अ वेब पेज कंटेंट। तो जो मोस्टली टाइटल टैग या जो मेन आपकी वेबसाइट का टैग होता है या टाइटल होता है और जो मेटा डिस्क्रिप्शन होता है वो आपका प्रॉपर होना चाहिए, एसईओ ऑप्टिमाइज होना चाहिए। जो आपका फोकस कीवर्ड है या मेन कीवर्ड है वो आपकी वेबसाइट के टाइटल में होना चाहिए और मेन डिस्क्रिप्शन में होना चाहिए, जिससे कि क्या होगा आपका ब्लॉग अच्छे से ऑप्टिमाइज होगा और उसपे सीटीआर क्लिक थ्रू रेट आने के चांसेस काफी अच्छे हो जाते हैं। जो 10th क्वेश्चन है, हाउ कैन यू मेजर द सक्सेस ऑफ एसईओ कैंपेन। इस क्वेश्चन का आपको आंसर आपके एक्सपीरियंस के आधार पर बताना पड़ेगा या आपको थोड़ा नॉलेज होगा कि आपको कौन कौन से पॉइंटर्स बताने हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको पॉइंटर्स बताने हैं कि आपका जो एसईओ करने का तरीका है वो किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है, जिससे कि आपका वर्क परफॉर्मेंस पता लग सके। सो मेनली जो होता है वर्क परफॉर्मेंस या जो भी पैरामीटर्स है वो है हमारा ऑर्गेनिक ट्रैफिक, आप जो भी काम कर रहे हो, कीवर्ड आपके रैंक हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, क्लिक थ्रू रेट अच्छा है या नहीं है, कन्वर्जन रेट कैसा आ रहा है और आरओआई क्या है। तो ये वो पैरामीटर है जो आपको पता होने चाहिए कि एसईओ की सक्सेस मेजर करने के लिए या परफॉर्मेंस किसी भी ब्लॉग या वेबसाइट का मेजर करने के लिए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज robot.txt फाइल एंड व्हाई इट इज यूज्ड इन एसईओ। तो robot.txt फाइल क्या होती है और इसका इम्पोर्टेंट रोल क्या होता है। तो robot.txt फाइल एक टेक्स्ट फाइल होती है जो गूगल या जो भी सर्च इंजन के क्रॉलर्स होते हैं उनको गाइड करते हैं कि कौन सा पेज आपको वेबसाइट में क्रॉल करना है या इंडेक्स करना है और कौन सा नहीं करना है। इट इज यूज्ड टू कंट्रोल एक्सेस टू स्पेसिफिक पार्ट ऑफ साइट। जब आप फर्स्ट टाइम कोई भी वेबसाइट बना रहे होगे या आपका कोई वेबसाइट का पेज आप है ना गूगल को नहीं बताना चाहते हो तो उस केस में आप robot.txt फाइल का यूज कर सकते हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ डुप्लीकेट कंटेंट एंड व्हाई इट इज कंसर्न फॉर एसईओ। डुप्लीकेट कंटेंट क्या होता है और ये एसईओ में कैसे इंपैक्ट डालता है। तो बेसिकली डुप्लीकेट रिफर्स टू आइडेंटिकल और वेरी सिमिलर कंटेंट अपीयरिंग ऑन मल्टीपल वेब पेजेस। अगर आप डुप्लीकेट कंटेंट लिखते हैं तो गूगल आपकी वेबसाइट का कंटेंट रैंक नहीं करेगा। तो कंटेंट आपका सिमिलर नहीं होना चाहिए, आपका यूनिक कंटेंट होना चाहिए। अगर यूनिक कंटेंट होगा तो गूगल विल इजीली रैंक योर कंटेंट। अगर आपका कंटेंट डुप्लीकेट है तो गूगल प्रेफर नहीं करेगा आपका कंटेंट रैंक करने में, क्योंकि आपसे पहले जो वेबसाइट है उनका डीए अच्छा है, उनका कंटेंट अच्छा है, सेम कंटेंट है, तो उनको प्रेफरेंस देंगे ना कि आपको, बिकॉज आपने सेम कंटेंट लिखा है, डुप्लीकेट कंटेंट लिखा है। तो ऑलवेज कोशिश करनी चाहिए कि आपको यूनिक कंटेंट लिखना चाहिए अपने ब्लॉग के लिए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन यू ऑप्टिमाइज इमेजेस फॉर एसईओ। सो आप इमेज ऑप्टिमाइजेशन कैसे कर सकते हैं। तो जितनी भी इमेज आप ब्लॉग या फीचर इमेज में यूज करते हैं तो मेक श्योर उसमें आपका प्रॉपर नेम होना चाहिए ऑल टैग वाले सेक्शन में, और मेक श्योर जो भी रिकमेंडेड साइज है आपको कंप्रेस करके इमेज डालनी होगी, जिससे कि लोडिंग स्पीड वेबसाइट का काफी सही रहे, जिससे कि गूगल को इजी रहेगा आपके वेबसाइट रैंक करने में, और जो सर्च इंजन इमेज वाला सेक्शन होता है वहां पे भी आपकी इमेज इजीली रैंक कर जाएंगी। तो अगर आप इमेज ऑप्टिमाइज करते तो मेक श्योर वो प्रॉपर उसमें नेमिंग होनी चाहिए, ऑल टैग होना चाहिए और कंप्रेस होनी चाहिए। आपको हैवी इमेज यूज नहीं करनी है, अगर आप हैवी इमेज यूज करोगे तो आपकी वेबसाइट की स्पीड स्लो हो जाएगी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉन्ग टेल कीवर्ड। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स क्या होते हैं। लॉन्ग टेल कीवर्ड बेसिकली वो कीवर्ड होते हैं जिनकी लंबाई मोर देन 4 वर्ड्स होती है। फॉर एग्जाम्पल, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली। तो ये एक क्या हो गया, ये एक लॉन्ग टेल कीवर्ड हो गया। तो लॉन्ग टेल कीवर्ड का जो बेसिकली होता है, सर्च वॉल्यूम कम होता है और कॉम्पिटिशन भी कम होता है। तो अगर आप कोई भी वेबसाइट या ब्लॉग लिखते हैं तो आपकी पॉसिबिलिटी होनी चाहिए, स्टार्टिंग में कोशिश होनी चाहिए कि आप लॉन्ग टेल कीवर्ड्स के ऊपर फोकस करें और उन पर कंटेंट बनाएं, जिससे कि आपकी वेबसाइट जल्दी रैंक करना स्टार्ट हो जाएगी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज 301 रीडायरेक्ट एंड व्हेन इट इज यूज्ड इन अ गूगल। तो 301 रीडायरेक्ट कब होता है, जब हम परमानेंट रीडायरेक्शन करते हैं फ्रॉम वन यूआरएल टू अनदर। इसका सिंपली मतलब है कि अगर हम अपनी वेबसाइट का डोमेन नेम, लेट सपोज हमारा abc.com था, बट ड्यू टू सम रीजन हम अपने उस पुराने डोमेन नेम को न्यू डोमेन नेम या न्यू नेम से हम ओपन करना चाहते हैं, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, हम 301 रिडायरेक्शन का यूज करेंगे। इट इज यूज्ड इन एसईओ व्हेन यू वांट टू परमानेंटली रिडायरेक्ट ट्रैफिक एंड लिंक इक्विटी फ्रॉम ओल्ड यूआरएल टू न्यू यूआरएल। तो जब भी आप कोई पुराना डोमेन नेम से नए डोमेन को अपनी वेबसाइट का नेम बदलकर जो भी कंटेंट है वो आप मूव करना चाहते हैं, तो आप इजीली 301 रिडायरेक्शन का यूज कर सकते हैं। सो व्हाट इज अ कैनोनिक कैनोनिकलाइजेशन एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। तो कैनोनिकलाइजेशन क्या है, कैनोनिकलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग द प्रेफर्ड यूआरएल व्हेन मल्टीपल यूआरएल हैव सिमिलर और डुप्लीकेट कंटेंट। बेसिकली जो कैनोनिकल कैनोनिकल टैग है या कैनोनिकलाइजेशन है, इसमें क्या होता है, जो स्टैंडर्ड और प्रिफर यूआरएल स्ट्रक्चर है, जैसे कि आज जो स्टैंडर्ड है वो है हमारा https://xyz.com। तो यूजर किसी भी वेबसाइट को xyz.com भी ओपन कर सकता है, www.xyz.com भी ओपन कर सकता है, http://xyz.com सर्च कर सकता है और https://search.xyz सर्च कर सकता है। तो गूगल, अगर मान लो ये सब यूआरएल मेन पेज पे खुले अलग अलग नेम से या जो भी यूजर टाइप करे, तो यूजर कंफ्यूज होगा कि इसमें ओरिजिनल यूआरएल कौन सी है। तो उस डुप्लीकेसी से बचने के लिए कैनोनिकल टैग हमें हेल्प करता है। So it is essential to prevent duplicate content issue and consolidate ranking signal. तो अगर आप
कैनोनिकल टैग यूज करते हैं, तो आपकी वेबसाइट में जो डुप्लीकेट कंटेंट इशू है वो नहीं आएगा और आपका यूजर को इजी रहेगा आपका कंटेंट या पेज का मेन यूआरएल समझने में। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू अप्रोच एसईओ फॉर अ वेबसाइट विद अ लार्ज नंबर ऑफ पेजेस। अगर एक बहुत बड़ी वेबसाइट है तो आप उसका एसईओ कैसे करेंगे, तो आपका क्या अप्रोच होना चाहिए, तो आपको यहाँ पे यही बताना होगा। फॉर अ लार्ज वेबसाइट इट इज इम्पोर्टेंट टू प्रायोरिटाइज एसईओ एफर्ट, फोकस ऑन हाई इम्पैक्ट पेजेस एंड यूज टूल फॉर एफिशिएंट क्रॉलिंग एंड इंडेक्सिंग। अगर बहुत बड़ी वेबसाइट है तो आप मैनुअली बहुत सारे पेज को क्रॉल और इंडेक्स नहीं कर सकते, तो आपको गूगल सर्च कंसोल और जो अदर टूल्स हैं उनका आपको यूज करना होगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज स्कीमा मार्कअप एंड हाउ कैन इट बेनिफिट इन एसईओ। तो स्कीमा मार्कअप होता क्या है? बेसिकली स्कीमा मार्कअप एक स्ट्रक्चर डाटा बुक लाइब्रेरी होता है जो हेल्प करता है सर्च इंजन को समझने में, आपका वेब पेज या वेबसाइट का कंटेंट समझने में, जिससे कि आपका वेबसाइट जो भी रैंक होने के चांसेस है वो वाले सेक्शन में, पीपल आल्सो आस्क और जीरो रैंकिंग में आपके कंटेंट रैंक होने के चांसेस होते हैं अगर आप स्कीमा मार्कअप अपने वेबसाइट के कंटेंट में यूज करते हो। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द की एलिमेंट फॉर एन इफेक्टिव एसईओ स्ट्रेटजी। आप में इंटरव्यू आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ रहा है तो इसका सिंपली मतलब है आपको अपने इफेक्टिव एसईओ स्ट्रेटजी के बारे में बताना है, आपका काम करने का तरीका क्या है। तो जो इफेक्टिव एसईओ स्ट्रेटजी है तो आपको कीवर्ड रिसर्च के बारे में बताना है, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन के बारे में बताना है, टेक्निकल एसईओ के बारे में बताना है, आप कंटेंट कैसे क्रिएट करते हैं वो बताना है, लिंक बिल्डिंग आप कैसे करते हैं, मॉनिटरिंग और एडजस्टमेंट कैसे करते हैं। तो ये सारे पॉइंटर्स आपको अपने इफेक्टिव एसईओ स्ट्रेटजी के टाइम या आंसर करते वक्त बताना है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ यूजर इंटेंट इन एसईओ। तो यूजर इंटेंट क्या होता है, बेसिकली यूजर क्या सर्च करना चाहता है या क्या जो भी वो कीवर्ड सर्च कर रहा है उसके बिहाइंड यूजर क्या चाहता है, आंसर क्या आंसर गूगल से चाहता है। तो यूजर इंटेंट रिफर्स टू द रीजन बिहाइंड अ यूजर सर्च क्वेरी। तो यूजर इंटेंट क्या होता है, जो भी कीवर्ड अगर गूगल पे यूजर डाल रहा है तो उसका कुछ मोटिव होगा कि वो कीवर्ड वहां पे क्यों टाइप कर रहे हैं। तो जो मोटिव है या जो उसका रीजन है वहां पे सर्च करने का या वो जो रिजल्ट पाना चाह रहा है तो उसको ही यूजर इंटेंट बोलते हैं। तो एसईओ स्ट्रेटजी शुड अलाइन विद यूजर इंटेंट बाय प्रोवाइडिंग कंटेंट दैट मैचेस द सर्चेस नीड, वेदर इट्स इंफॉर्मेशनल, ट्रांजेक्शनल और की नेविगेशनल। सो यूजर जो भी कीवर्ड डालते हैं तो टाइप्स ऑफ कीवर्ड वो हो सकता है, इंफॉर्मेशनल कीवर्ड हो गया जैसे हमारा व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, और ट्रांजैक्शनल कीवर्ड हो गया हमारा लाइक बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। तो यूजर का मोटिव क्या है, अगर वो कोई क्वेरी या कीवर्ड टाइप कर रहा है तो आपको यूजर का इंटेंट समझना होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज गूगल सैंडबॉक्स एंड हाउ डज इट रिलेट टू एसईओ। सो गूगल सैंडबॉक्स गूगल का कोई ऑफिशियल कॉन्सेप्ट नहीं है, बट आप सिंपल भाषा में ये समझिए कि जो भी नई वेबसाइट होती है, जितनी भी नई वेबसाइट बनती है, गूगल उनको इंस्टेंट रैंकिंग नहीं देता है। तो गूगल एक वर्चुअल स्पेस में उन वेबसाइट को कैटेगराइज कर देता है और उस बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर को हम गूगल सैंडबॉक्स बोलते हैं, जहाँ वो टेस्ट एंड ट्राई करता है कोई भी नई वेबसाइट को रैंक करने में। अगर कोई वेबसाइट अच्छा रेगुलर कंटेंट डाल रही है, अच्छे से एसईओ कर रही है, तो गूगल विल स्टार्ट रैंकिंग दैट वेबसाइट। तो इसका सिंपली मतलब है, अगर आप अच्छे से काम कर रहे हो, कंटिन्यूअस काम कर रहे हो, तो आफ्टर सम टाइम गूगल आपकी वेबसाइट को सैंडबॉक्स से आउट कर देगा, और जिस दिन आपकी वेबसाइट सैंडबॉक्स से आउट होगी तो आपका वेबसाइट रैंक करना स्टार्ट कर देगी और आपकी वेबसाइट पे एसईओ ट्रैफिक, ऑर्गेनिक ट्रैफिक आने लग जाएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट ऑफ एंकर टेक्स्ट एंड बैकलिंक फॉर एसईओ। एंकर टेक्स्ट को हम हाइपरलिंक भी बोलते हैं, जब हम कोई इंटरनल लिंकिंग करते हैं या
आउटबाउंड लिंकिंग करते हैं, तो जो भी हम टेक्स्ट सेलेक्ट करके उस पे जो हाइपर लिंक लगाते हैं उसको ही एंकर टेक्स्ट बोलते हैं। तो एंकर टेक्स्ट क्या होता है, ये बैकलिंक्स प्रोवाइड कॉन्टेक्स्ट टू सर्च इंजन अबाउट द लिंक पेज कंटेंट। तो मेक श्योर जो भी आप एंकर टेक्स्ट लिख रहे हो वो आपका कीवर्ड ओरिएंटेड या इम्पोर्टेंट कीवर्ड पे आपको बैकलिंक या हाइपरलिंक लगाना होता है। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज 404 एरर एंड हाउ कैन इट इम्पैक्ट इन एसईओ। तो 404 एरर कब आता है और इसका इम्पैक्ट क्या होगा एसईओ में। सो जो मेजरली 404 एरर आता है जब आपका वेबसाइट का पेज या यूआरएल या तो डिलीट हो जाता है किसी रीजन से या फाउंड नहीं होता है। सो अगर आपकी वेबसाइट का कोई यूआरएल रिमूव हो गया है या गलती से डिलीट हो गया तो वो 404 शो होगा, तो इसका इम्पैक्ट नेगेटिव जाएगा। अगर कोई यूजर आपकी किसी लिंक पे क्लिक कर रहा है और वो वेब पेज 404 का एरर दे रहा है तो इससे क्या होगा, यूजर एक्सपीरियंस खराब होगा और जिससे कि गूगल को सिग्नल जाएगा कि इस वेब पेज को डीरैंक कर दो, आपको रैंकिंग नहीं देगा। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको एसईओ इंटरव्यू में बहुत हेल्प करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में बताइए। दोस्तों अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग या डिजिटल मार्केटिंग के सर्टिफाइड कोर्सेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे हैं, नंबर्स दे रखे हैं, आप उसके थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमें अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मार्केटिंग फंडाज़।